चिराग पासवान की पार्टी LJP ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हाजीपुर से खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, जबकि जमुई से अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे। शांभवी चौधरी को समस्तीपुर, वैशाली से वीणा देवी और खगड़िया से राजेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी की ओर से टिकट मिलने के बाद सभी प्रत्याशी चिराग के घर पहुंचे और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत की बधाई दी। चिराग पासवान की पार्टी ने 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को टिकट दिया गया है। शांभवी चौधरी को देश की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार माना जा रहा है। शांभवी चौधरी से हमारे संवाददाता शक्ति कुमार ने खास बातचीत की। LJPR ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हमारे साथ हैं शांभवी चौधरी, हैं समस्तीपुर से लोकसभा उम्मीदवार चिराग पासवान ने इन्हें अपनी पार्टी का बनाया है। कैसा लगा? सबसे पहले तो आपको बधाई हो। थैंक यू। और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा मेरा सपना पूरा हुआ है। परिवार के सभी लोगों का एक सपना था, वो पूरा हुआ है। मेरे दादाजी का सपना पूरा हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। राजनीति आप के पुश्तैनी, आपके दादाजी भी मंत्री थे राजनीति बैकग्राउंड से, पापा भी मंत्री बिहार सरकार में, ऐसे में आपको राजनीतिक ABCD तो सब पता होगी आपको। जी बिल्कुल, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि हम उसी माहौल में रहें और उसी माहौल में पले बड़े हैं, तो ABCDEFGH A to Z सब देखे हैं। कितना चुनौतीपूर्ण होगा समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव के लिए? कोई भी चुनाव जो होता है वो चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन खुद पे भरोसा है, पार्टी का जो विजन है उस पर भरोसा है। समस्तीपुर के लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहेगा, उम्मीद करते हैं, और बहुत मेहनत करेंगे, डबल मेहनत करेंगे और ज़रूर ये सीट जीत के लाएंगे। अभी तक जो है उसमें सबसे यंग जो है कहा जा रहा है उम्मीदवार जो है पूरे देश भर में आप हैं, ऐसे में चिराग पासवान भी है काफ़ी यंग है, दोनों आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ऐसे में युवाओं के लिए क्या कुछ अगर जीत के आती हैं तो फिर क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो युवाओं का रोज़गार ज़रूरी है और शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, युवाओं को रोज़गार मिले उस क्षेत्र में काम करेंगे। और आई विल ट्राई टू लीड बाय एग्जांपल, है ना, और बस सबके साथ खड़े रहेंगे और जो हो सकता है मेरे कैपेसिटी में हमसे वो ज़रूर करेंगे। कब ये डिसाइड किए कि आप राजनीति में आएंगे? ऐसा कोई, सच बताए भैया तो ऐसा कोई मोमेंट नहीं था कि लगा कि इस मोमेंट में कि हाँ हमको यही करना है। हम बहुत छोटे थे और अपने पिता को, दादाजी को, ये लोग सबको करते हुए देखते थे, तो हमको लगता था हाँ यही बढ़िया है, यही करेंगे। जैसे जिस तरह से जो सेवा का भाव उनमें था, वो सेवा का भाव मेरे में हमेशा से था, शुरू से था, तो इसीलिए इसमें आगे बढ़ गए। बहुत सारे लोग हैं जो कि काफ़ी दिनों के बाद, मतलब कह कि 40 के बाद, 50 के बाद राजनीति में आती हैं, लेकिन आप इतनी कम उम्र में आ गई हैं, क्या युवाओं खास करके महिलाओं के लिए क्या युवा बिहार के युवा हैं? बिहार के युवाओं को हम अभी फ़िलहाल इस मोमेंट में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता है, मेहनत करते रहना चाहिए, अपने पे भरोसा रखना चाहिए और अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिएगा हम पे, और जो हो सकेगा वो हम जरूर करेंगे। मोदी जी का ये कहना है कि इस बार NDA जो है 400 पार, उस लक्ष्य को, उसको किस तरह से देखती हैं? बिल्कुल 400 पार होगा और जितने भी उम्मीदवार हैं हम लोग सब डबल मेहनत से मोदी जी का सपना पूरा करेंगे, आदरणीय नीतीश कुमार जी का सपना पूरा करेंगे, बिहार में 40 पार करेंगे, और कहते ना हम चिराग भैया के 5 पांडव हैं, जीत के ही आएंगे, पाँचों के पाँचों। आपके विरोध में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कहा जा रहा है कि उम्मीदवार होंगे, उनको, उनकी चुनौतियों को, खास करके समस्तीपुर आपके लिए नया होगा, कितना कुछ वहाँ के लिए आप चुनौती महसूस कर रही हैं? हम पर्सनली, मतलब अपना एक पर्सनल सोच रखते हैं कि नया पुराना कुछ नहीं होता है, मेहनत करना है, लोगों का भरोसा जीतना है, लोगों को प्यार देना है और उनसे आशीर्वाद, डबल 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 आशीर्वाद लेना है। खूब मेहनत करेंगे और किसी भी किसी के ऊपर जो हमसे स्पेशली उम्र में बहुत बड़े हों उन पर टिप्पणी करना मेरा संस्कार नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। साइन है हमारे, उनके पति हैं, कैसा पत्नी आपकी राजनीति में अब जा रही हैं, आपके पिताजी पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, ऐसे में क्या लग रहा? सेवा का भाव हम दोनों परिवार में रहा है, मेरे पिताजी भी आम जनमानस का सेवा करते रहे हैं और मेरे ससुराल पक्ष के लोग भी राजनीति में रहकर जनमानस का सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग दोनों के परिवार में ये कॉमन रहा है, तो अब हम लोग भी इस विरासत को राजनीति के माध्यम से आगे ले जाएंगे, ये हम लोग की सोच है। राजनीति में जाने के बाद परिवार को काफ़ी कम समय दे पाएंगे, तो ऐसे में फिर क्या आगे? परिवार का फुल सपोर्ट है, वो समझते हैं, वो देखे हैं कि राजनीति क्या होता है, तो सब मैनेज हो जाएगा।
उम्मीद है कि जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, कोई शक नहीं है। मोदी जी के विजन और चिराग पासवान सब जीतेंगे, 400 पार करेंगे और बिहार में 40 का 40 सीट जीतेंगे।